गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर वेरी वेल एंड हैप्पी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक कैटेगरी, दैट इज PMMA। द फुल फॉर्म ऑफ PMMA इज पॉली मिथाइल मिथाक्राइलेट, और इसको हम एक नाम और बोलते हैं, वो है प्लेक्सी ग्लास। और जो प्लेक्सी ग्लास जो होता है, इसका यूज हम जितने भी हमारे जो स्पेक्स हैं, जो कॉन्टेक्ट लेंस हैं, जिनका कि हम यूज करते हैं, उनका फॉर्मेशन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। और इनका यूज हम खासतौर पर इनकी जो ट्रांसपेरेंसी जो है, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होने की वजह से इनका यूज हम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से इसको हम एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको बच्चे से लर्न करेंगे। प्रॉपर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। द मोनोमर ऑफ PMMA इज मिथाक्राइलेट। इसको लर्न करने में कहीं कोई स्ट्रेस नहीं देना है, पॉली वर्ड हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेम ऑफ द मोनोमर बन जाएगा। तो मोनोमर इज मिथाइल मिथाक्राइलेट। द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मिथाक्राइलेट इज CH2 डबल बॉन्ड CCH3 COOCH3। ये तो हमको सबको पता होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर, पर मेन चीज हमको आपको सिखाना है कि आप कैसे इसको लर्न रखेंगे, कैसे अपने मेमोरी में रखेंगे। तो ये पूरा जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लास्ट पर आपको दिखाएंगे कि इसको आप मेमोरी में कैसे रख सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3 COOCH3, दिस इज मिथाइल मिथाक्राइलेट। अब इसका जब फॉर्मेशन करते हैं, इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन करने में हमको जो यहाँ पर कैटेलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज H2O2 या हाइड्रोजन परोक्साइड या एसिटाइल परोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में हम ये काम करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेंगे। इसमें पॉलीमराइजेशन में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो डबल बॉन्ड जो है, जिसके पास एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ये जो दो दो वैलेंसी जो होती है, ये अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होने के लिए अवेलेबल है, वो वहां पर ज्वाइन होती चली जाती है, और फाइनली हमको यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हम मिथाइल मिथाक्राइलेट से उसका पॉलीमर कैसे बनाते हैं। तो मिथाइल मिथाक्राइलेट में है डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन होने पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ PMMA, किस तरीके की इसमें प्रॉपर्टीज होती है। तो जो प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले इसका जो नेचर है, ये एमॉर्फस नेचर है, यानी इसमें क्रिस्टलिटी नहीं होती है, एमॉर्फस नेचर होता है। दूसरा, कलरलेस होता है। थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक इन नेचर है, मतलब इजीली हम उसको रीमोल्ड, रीयूज, रीशेप कर सकते हैं, इजीली फोल्ड हो जाता है, मोल्ड हो जाता है, दूसरे दूसरे शेप में हम उसको बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, ये एकदम इसका जो है पेक्यूलर प्रॉपर्टी हम इसको बोल सकते हैं। हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से इनके हम स्पेक्स वगैरह और जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ TG मीन्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मिनिमम कितने टेम्परेचर तक वो प्रॉपर वर्क करता, तो वो बहुत ही उसका वैल्यू जो है बहुत हाई है, ये 65 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस। एंड द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज 130 to 140 डिग्री सेल्सियस। किसी किसी बुक में आपको 160 भी मिल रहा है, तो 130 to 140 डिग्री सेल्सियस या 150 भी लिख देंगे आपको गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये उसका TM का जो है वो टेम्परेचर हो गया। फिर नेक्स्ट जो एक बहुत अच्छी जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है, एज कम्पेयर टू ग्लास, यदि हम कांच के कंपेरिजन में यदि हम इसको देखें, क्योंकि पहले तो कांच के चश्मे बनते थे, अब जो है ये सारे फाइबर्स के जिसको हम बोलते हैं PMMA के बन रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में हमारा इसका जो वेट होता है वो 1/3, मतलब
आपको जैसे कांच टूटता है तो कोई भी इंजर्ड हो सकता है, पर इसमें जो भी इसके फ्रेगमेंट्स है वो भी जो है एकदम ज्यादा उसमें वो शार्प नहीं होती है, तो कहीं से भी कोई भी इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी इसमें कम हो जाती है। तो इसका जो वेट होता है वो ग्लास के कंपेरिजन में देखें तो 1/3 होता है, मतलब बहुत ही लाइट वेट होता है जिसको कि हम इजीली यूज कर सकते हैं। और द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज 1.18 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.18 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी डेंसिटी है। तो कुछ ये सारी चीजें जो है इनको हम प्रॉपर्टी में मेंशन करना चाहिए, प्रॉपर्टी में मेंशन करने से हमको उसके बारे में पता चलता है कि किस टाइप का इसका नेचर है। अब हम फाइनली चलते हैं यूजेस की तरफ, और यूजेस में सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो आपको हमेशा आंसर में मेंशन करना है, ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने के लिए होता है, स्पेक्स के लिए, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह बनाने के लिए होता है, मोटरसाइकिल की विंडस्क्रीन बनाने के लिए यूज होता है, वॉश बेसिन जो हमारे घरों में यूज होते हैं उनका हम यूज करते हैं, और जो सोलार कलेक्टर होते हैं उनके कवर, जो डोम शेप के कवर जो होते हैं उनका भी यूज हम पीएमएमए के थ्रू, पीएमएमए से बनते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स पीएमएमए से बनते हैं। तो ये पूरा जो है पीएमएमए या प्लेक्सी ग्लास का डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आएगा तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना होगा, देन नेम ऑफ द मोनोमर, स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर, किन कंडीशन से ये पॉलीमराइज होता है, मतलब उसका प्रिपरेशन लिखेंगे, देन प्रॉपर्टीज को आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग से करेंगे, यूजेज भी 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से आप नंबरिंग दे करके करेंगे, तो आपका ये कंप्लीट शॉर्ट नोट जो है वो तैयार होता है। तो यदि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना सिखाऊंगी, जो मेरा मेन एम है कि मैं इस चीज को आपको ऐसा लर्न करना सिखा दूं कि आप एग्जाम तक भी जो है इसको मेमोरी में रखें। अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि ये स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो देखिएगा इसको मैं फिर से आपको इथिल से ही कोरिलेट करके आपको सिखाऊंगी कि आप इसको कैसे मेमोरी में रखते हैं। तो देखिएगा ये हमारा स्ट्रक्चर है इथिन का, ये हम सबको पता होता है कि दिस इज इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जैसे हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड में किया था कि हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को क्लोरो ग्रुप से रिप्लेस किया था, इसमें हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं करना। तो यहां से हमने 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप क्यों है, क्योंकि उसके नाम में ही मिथाइल लिखा हुआ है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में मिथाइल तो आएगा ही आएगा। तो एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया बाय मिथाइल ग्रुप, और दूसरा जो हमारा है उसको हमको रिप्लेस करना है बाय एसिटेट ग्रुप COOCH3, दिस इज एसिटेट ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन जो है उसको हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, दूसरा जो है वो हमने उसको एसिटेट ग्रुप से रिप्लेस किया, फाइनली इसमें हमको एस्टर ग्रुप जो है, इसका एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए हम यहाँ पर जब भी कभी एस्टर के लिए जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो O8 पर भी हम यहाँ पर सफिक्स लगाते हैं, इस वजह से उसका नाम जो है वो मिथाक्राइलेट जो है वो बना। और दूसरी चीज ये तो हमने लर्न करना सीख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए, इथीन में इथीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एसिटेट ग्रुप। तो ये जो है ये आपका यहाँ पर पूरा मिथाइल मिथाक्राइलेट का स्ट्रक्चर होता है। ये तो हमने मेमोरी में रखने के लिए बोला, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इतना जो अगर आप लॉन्ग चेन या मिथाक्राइलेट है उसका स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझते हैं, इसमें है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन है उस इथीन से हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बनाया है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एसिटेट ग्रुप, और एसिटेट ग्रुप को कैसे मेमोरी में रखेंगे, तो उसको हम रख सकते हैं एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, CH3COOH। तो CH3COOH का जब डिसोसिएशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है CH3COO- और H+ उसमें से निकल जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज एसिटेट ग्रुप। तो एसिटेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, तो ये बन गया
डाइलेट, दिस इज मोनोमर ऑफ पीएमएलए। अब ये हमने सिर्फ मेमोरी में रखने के लिए कि हमको याद रहे, इस वजह से हमने उसको इस तरीके से सीखा है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो इतना जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे मिथाक्राइलेट, मिथाक्राइलेट एस्टर ग्रुप है, और उसमें एक लगा दिया हमने मिथाइल ग्रुप, तो अब बन गया पूरा मिथाइल मिथाक्राइलेट। तो इस तरीके से हमको लर्न कैसा करना है वो भी हमको सीखना है, और इसका मेन कैसा किस तरीके से इसको हमने बनाया हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है इसका, वो भी हमको सीखना है। तो दोनों चीजें जो है वो हमको मेमोरी में रखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल में यदि नए आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।